हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों, आप सबको मेरी गोल की टेक्स्ट बुक लेनी है। उसमें लास्ट वीडियो में हमने आई एम लकी ये जो पोएम थी वो हमने अच्छी तरह से लर्न भी की थी और उसकी हमने एक्सप्लेनेशन भी देखा था, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में आप सबको होमवर्क में क्या मिला था? आपको जो ये न्यू वर्ड्स थे वो और उसके मीनिंग आप सबको अपनी नोटबुक में 5 times लिखने थे, और आप सब ने वो कंप्लीट भी कर दिया होगा। देखो, अब हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज है पेज नंबर 22 पे। आप सबको भी पेज नंबर 22 ओपन करना है। वहाँ पे हमें क्या दिया है? रीडिंग इज फन। यहाँ पे आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है? कंप्लीट दिस सेंटेंस। यहाँ पे आपको एनिमल्स के नेम दिए हैं और यहाँ पे उसकी एक्शन के बारे में बताया है। तो देखो, आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। अब बटरफ्लाई कैन फ्लाई, बटरफ्लाई फ्लाई कर सकती है। फिर नीचे आपको दिया है अ मैना, तो उसकी एक्शन क्या आएगी? उसको आप यहाँ पे ब्लैंक दी है, तो वहाँ पे हमें आंसर लिखते जाना है। तो वहाँ पे हम क्या आंसर लिखेंगे? अ मैना कैन सिंग। वो हमने लेसन में सीखा था ना बच्चों, पोयम में, कि मैना है वो सिंग यानी कि गाना गाती है। तो यहाँ पे लिखना है CAN कैन SING सिंग, अमेना कैन सिंग। देखो, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे एनिमल में ब्लैंक दी है और यहाँ पे लिखा है कैन व्रिगल। तो ये व्रिगल यानी कि धीरे धीरे तैरना वो कौन करती है बच्चों? फिश। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? अ FISH फिश, अ फिश कैन व्रिगल। मैंने आपको व्रिगल का मीनिंग भी लिखाया था। नेक्स्ट है यहाँ पे एन एलिफेंट। एलिफेंट क्या करता है बच्चों? वो अपनी ट्रंक ऊंची कर सकता है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कैन RAISE रेज हीज ट्रंक, TRUNK ट्रंक। और एन एलिफेंट कैन रेज हिज ट्रंक यानी कि एलिफेंट ट्रंक यानी कि अपनी सूंड ऊंची कर सकता है। यहाँ पे आपको नीचे ब्लैंक दी है और फिर यहाँ पे लिखा है कैन होप यानी कि जंपिंग कौन करता है बच्चों? कांगारू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे और कांगारू KANGARO और कांगारू कैन होप। लास्ट हमें दिया है यू, तो यू यानी कि आप सब लोग क्या कर सकते हैं? यू कैन रीड। तो यहाँ पे मैं रीड लिख रही हूँ, कैन RED रीड, यू कैन रीड। इसी तरह से हमारी ये फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है बच्चों। अब हमें नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं। बच्चों, ये जो क्वेश्चन आंसर है ये हम वर्कबुक में एक्सरसाइज में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 23। यहाँ पे हमें क्या दिया है बच्चों? लेट्स लिसन। यहाँ पे हमें ये जो दी है वो हमें आपको अच्छी तरह से सुनना है। तो यहाँ पे आप सबको ये रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। कैंग हैज अ ड्रीम, कैंग flew into the sky, he flew to the moon, he flew through a cloud, he slipped down a tree, कैंग वॉक अप विथ अ बैंग। तो यहाँ पे ये कैंग यानी कि कांगारू के बारे में बताया गया है कि उसका ड्रीम है कि वो फ्लाई में उड़ सके। उसी के बारे में यहाँ पे आपको एक ये जो रीडिंग प्रैक्टिस दी है वो आप सबको भी घर पे करनी है। देखो, यहाँ पे हमें नीचे एक साइलेंस गेम दी है बच्चों। अभी तो आप स्कूल नहीं आ रहे हो, तो आप जब स्कूल आएंगे तब हम ये गेम खेलेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। बच्चों, ये जो गेम है वो आप सब लोग अपने घर पे भी खेल सकते हो। तो किस तरह से खेल सकते हो मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। क्लोज योर आइज एंड हियर योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स, बटरफ्लाई मैना फिश एलिफेंट कांगल। आप सबको अपनी आइज है वो क्लोज कर देनी है यानी कि बंद कर देनी है। फिर टीचर आपको ये जो शब्द बोले कौन से बटरफ्लाई मैना
फिश, एलिफेंट, कंगारू, ये सारे वर्ड आप सबको सुनना है। फिर क्या करना है, विथ योर आईज स्टिल शट इमेजिन दैट यू आर सीइंग दिस क्रिएचर। फिर आप सबको क्या करना है, आप सबको फिर एक इमेजिन करना है कि टीचर जो भी एनिमल्स का इसमें से नेम बोले, आप सबको इमेजिन करना है कि आप सब लोग वो सारी चीज़ें हैं वो देख रहे हो। फिर क्या करना है, ओपन योर आईज एंड मूव लाइक दे डू। फिर आप सबको अपनी आईज ओपन करनी है और जैसा ये जो एनिमल्स और बर्ड्स करते हैं उसी तरह से आप सबको भी करना है। तो ये गेम आप घर पे भी खेल सकते हो बच्चों। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, लेट्स ड्रॉ कंप्लीट द पिक्चर्स एंड लेबल देम। यहाँ पे आपको ये जो दो एनिमल्स दिए हैं उसके आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं, तो वो पार्ट्स के नेम हमें यहाँ पे ब्लैंक जो है उसमें हमें लिखते जाना है। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आपको ये जो लेटर बताया है उसका पहला दिया है कि उसका आंसर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे ये किसका पिक्चर ड्रॉ किया है बच्चों, ईयर का पिक्चर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई ए आर ईयर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ईयर, ये एलिफेंट का ईयर का पिक्चर है। नेक्स्ट आप सब लोग ये देख सकते हो, यहाँ पे आप सबको किसका पिक्चर दिया है, ये एलिफेंट की सूंड का पिक्चर यानी कि ट्रंक। तो यहाँ पे आपको टी लिख कर दिया है। अब हम लिखेंगे आर यू एन के ट्रंक। अब हमें यहाँ पे एलिफेंट की टेल का पिक्चर दिया है, तो यहाँ पे आपको टी लिख कर दिया है। तो बाद में हम क्या लिखेंगे, ए आई एल टेल। तो देखो ये एलिफेंट का पार्ट से उसका लेबल हमने लिख कर कंप्लीट कर दिया। अब हम नीचे देखते हैं, नीचे आपको यहाँ पे एक कांगारू का पिक्चर दिया है, तो यहाँ पे उसके भी बॉडी पार्ट्स है। देखो ये क्या है बच्चों, कांगारू के ईयर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई ए आर एस ईयर्स। और यहाँ पे आप सबको ये क्या दिया है बच्चों, कांगारू के लेग्स दिए हैं, तो हम लिखेंगे लेग्स, एल ई जी एस लेग्स। तो देखो ये हमने यहाँ पे लिख कर कंप्लीट कर दिया। बच्चों अगर आप चाहे तो ये सारे बॉडी पार्ट्स देखो, ये एलिफेंट में नहीं है तो आप उसे ड्रॉ करके भी कंप्लीट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, उसमें हमें क्या करना है, लेट्स राइट एन एक्ट। यहाँ पे हमें यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दी है वो हमें लिख कर कंप्लीट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड गिवन बिलो। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है, आपको नीचे यहाँ पे वर्ड दिए हैं उसमें से देखकर। देखो इफ आई वेर अ कांगारू आई वुड, अगर मैं कांगारू होता तो इसमें से क्या आता, होप रोर स्विम एंड फ्लाई लाइक देम। क्या आंसर आएगा बच्चों, होप। तो यहाँ पे आई वुड लिखा है तो हमें यहाँ पे सिर्फ होप लिखना है, एच ओ पी होप। ओके लिख दिया बच्चों आप सबने। नेक्स्ट देखते हैं, इफ आई वेर टाइगर आई वुड, टाइगर की आवाज कैसी होती है बच्चों, रॉर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर ओ ए आर रॉर। इफ आई वेर अ टाइगर आई वुड रॉर। नेक्स्ट इफ आई वेर अ फिश आई वुड, क्या आंसर आएगा, वेरी गुड स्विम, एस डब्ल्यू आई एम स्विम। नेक्स्ट इफ आई वेर अ बर्ड आई वुड, बर्ड में क्या आएगा बच्चों, फ्लाई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एफ एल वाई फ्लाई। नेक्स्ट पेज देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है, यहाँ पे हमें से लाउड, यहाँ पे हमें लाउडली ये जो स्पेलिंग है वो सब बोलने हैं। तो फर्स्ट स्पेलिंग हमें किसका दिया है बच्चों, देखो यहाँ पे आपको बीच में डैश करके दे, तो ये बड़ा स्पेलिंग है, उसे आप इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में बांट कर ये स्पेलिंग लर्न कर सकते हैं। देखो ऑक्टोपस यानी कि ऑक्टोपस, कौन सा स्पेलिंग हुआ बच्चों, ऑक्टोपस। नेक्स्ट एल ई फंट,
एलिफेंट. क्या बना बच्चों? एलिफेंट. नेक्स्ट है बट और फ्लाई, बटरफ्लाई. कौन सा स्पेलिंग बना बच्चों? बटरफ्लाई. इस तरह से आप सबको भी ये स्पेलिंग बोलना है. नेक्स्ट है कांग गा रू, कांगारू. तो ये स्पेलिंग आप सबको घर पे अच्छी तरह से बोलना है बच्चों. अब हम नीचे देखते हैं. लेट्स ड्रॉ, कंप्लीट दिस पिक्चर एंड ड्रॉ सम प्लांट्स, शेल्स, स्टोन्स एंड फिश. देखो नीचे आप सबको ये किसका पिक्चर दिया है बच्चों? ऑक्टोपस का पिक्चर. तो ये ऑक्टोपस का जो पिक्चर है वो आपको जो ये डॉट दिए है वो आपको इस तरह से जॉइंट करना है. इसी तरह से आप सब लोग ये पूरा ऑक्टोपस का पिक्चर है वो जॉइंट करके कंप्लीट कर दीजिए. फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिया है कि आप सबको कुछ प्लांट्स, शेल, स्टोन एंड फिश वगैरह है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है. तो देखो मैंने यहाँ पे ये कुछ फिश और वाटर में जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं वो और स्टोन ड्रॉ करके दिया है. आप सबको और भी जो पसंद हो, स्टोन, फिश, शेल्स, ये सब आपको ड्रॉ करना है और फिर आपको ये पिक्चर में कलर भी करना है. तो बच्चों ये क्वेश्चन है वो आप सबको होमवर्क में कंप्लीट करना होगा. ये है आप सबका आज का होमवर्क. नेक्स्ट पेज देखते हैं. नेक्स्ट पेज पे हमें यहाँ पे क्या दिखा है, लिखा है लेट्स राइट. यहाँ पे हमें ब्लैंक से वो लिख कर कंप्लीट करनी है. किस तरह से करेंगे? एड FUL फुल टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड कम्प्लीट द सेंटेंस. यहाँ पे आपको ये जो सेंटेंस है वो ब्लैंक में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको जो क्लू दिया है उसके पीछे इस स्पेलिंग में आप सबको पीछे FUL वर्ड ऐड करना है और नया वर्ड जो बने वो आपको यहाँ पे लिखना है. तो हम फर्स्ट ब्लैंक देखते हैं. यू मस्ट बी ब्लैंक टू योर फ्रेंड्स. आपको यहाँ पे क्या दिया है? HELP, हेल्प. तो आपको हेल्प और पीछे FUL फुल ऐड करना है. देखो HELP हेल्प और हमें कौन सा वर्ड ऐड करना है? FUL. तो यहाँ पे आप लिखे दे FUL. तो कौन सा वर्ड बनेगा? हेल्पफुल. यू मस्ट बी हेल्पफुल टू योर फ्रेंड्स. नेक्स्ट मेक अ ब्लैंक ड्रॉइंग. आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कलर, तो हम क्या लिखेंगे? COLOUR कलर, FUL फुल कलरफुल. मेक अ कलरफुल ड्रॉइंग. आप सबको एक कलरफुल ड्रॉइंग बनाना है. नेक्स्ट द पप्पी इज सो ब्लैंक. यहाँ पे ऑप्शन में है प्ले, तो हम लिखेंगे PLAY प्ले, FUL प्लेफुल. द पप्पी इज सो प्लेफुल, यानी कि ये जो पप्पी है वो बहुत ही, उसे खेलना बहुत पसंद है. आगे देखते हैं. बी ब्लैंक वाइल क्रॉसिंग द रोड. तो यहाँ पे है CARE केयर, तो हम लिखेंगे CARE केयर, FUL फुल. बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, यानी कि रोड क्रॉस करने में हमें बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए. तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. जॉइन द टू वर्ड्स टू मेक वन वर्ड. लुक एट द एग्जाम्पल. आपको नीचे दो अलग अलग वर्ड दिए हैं, वो दोनों वर्ड्स हमें ज्वाइंट करना है और एक नया वर्ड बनाना है. देखो आपको एक एग्जाम्पल दिया है PEACE पीस, FULL फुल. तो हम क्या बनाएंगे? पीस फुल. नीचे उसी तरह से हमें दिया है PLAY प्ले, FULL फुल. तो हम क्या बनाएंगे? PLAY प्ले, FUL फुल, प्ले फुल. नेक्स्ट COLOUR कलर, FULL फुल. तो देनो ये देखो दोनों अलग अलग वर्ड है, तो उसे जॉइंट करके हमें एक नया वर्ड बनाना है. तो हम कलर लिखेंगे और FUL फुल लिखेंगे. COLOUR
F-U-L, colorful. नेक्स्ट देखते हैं C-A-R-E, care, F-U-L-L, full. तो कौन सा वर्ड बनेगा? C-A-R-E-F-U-L, careful. उसी तरह से आपको ये जो स्पेलिंग है वो आप सब लोग एक होमवर्क में ट्राई कीजिए बच्चों, कि आप सबको आता है कि नहीं आता है. क्या करना है आपको? पहले होप लिखना है और पीछे आपको एफ यू एल फुल लिख देना है. तो कौन सा वर्ड बनेगा? होपफुल. अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं. नेक्स्ट पेज है हमारा पेज नंबर 2727. तो उसमें हमें क्या करना है बच्चों? राइट फाइव थिंग्स यू कैन डू स्टार्ट विथ आई कैन. यानी कि यहाँ पे आपको आप जो भी चीज़ करते हो वो आपको फाइव चीज़ यहाँ पे लिखनी है. और आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है? आई कैन, यानी कि मैं कर सकता हूँ. आपको आई कैन से ये जो सेंटेंस है वो स्टार्ट करना है. तो मैं फर्स्ट सेंटेंस बना रही हूँ. आई कैन रीड, आर ई ए डी, रीड. आप सब लोग पढ़ाई करते हो ना बच्चों? आई कैन रीड यानी कि मैं पढ़ सकता हूँ. अब हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं. तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? आई कैन. तो पहले हम लिखते हैं आई सी ए एन कैन. और क्या करते हैं आप सब लोग? मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई कैन प्ले, पी एल ए वाई, प्ले. मैं खेल सकती हूँ. आप सब लोग खेलते भी हैं. आई कैन प्ले. आप जो भी चीज़ करते हो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है. अब नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ आई कैन रन, आई कैन रन. मैं दौड़ सकता हूँ. अब आप सब लोग लिख भी सकते हो. तो यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे? आई कैन राइट, आई कैन राइट. मैं लिख सकता हूँ. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. फाइव नंबर पर मैं लिख रही हूँ आई कैन ईट, आई कैन ईट. देखो आप गाना भी गा सकते हो. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आई कैन सिंग. इस तरह से आप अपने हिसाब से कोई भी फाइव सेंटेंस बना सकते हो जो कि आप लोग करते हो. यानी कि थिंग्स यू कैन डू, आप लोग जो भी चीज़ कर सकते हो उसके बारे में आप सबको यहाँ पे फाइव सेंटेंस लिखने हैं. अब सिक्स नंबर से क्या है? आई कैन नॉट, यानी कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ. उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखाना है. देखो आई कैन नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता हूँ. बट आई कैन रन, लेकिन मैं दौड़ सकता हूँ. बच्चों हम लोग उड़ नहीं सकते हैं. तो यहाँ पे आपको वो चीज़ लिखनी है जो आप नहीं कर सकते हो, और यहाँ पे आपको वो चीज़ करनी है कि आप कर सकते हो. तो देखो आई कैन नॉट फ्लाई बट आई कैन रन, मैं उड़ नहीं सकता हूँ लेकिन मैं दौड़ सकता हूँ. ठीक है बच्चों, समझ में आया आप सबको? अब सेवन नंबर देखते हैं. आई कैन नॉट क्रॉल, सी आर ए डबल यू, क्रॉल. बट आई कैन वॉक. क्रॉल यानी कि सरक के चलना. आप सब लोग उस तरह से नहीं चल सकते हो, लेकिन मैं वॉक यानी कि नॉर्मली चल सकता हूँ. अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आई कैन नॉट चीप, सी एच आई आर पी. यानी कि बर्ड्स की जो आवाज़ होती है उसे चीप कहते हैं. हम उस तरह से तो नहीं कर सकते, बट आई कैन सिंग, लेकिन मैं गाना ज़रूर गा सकता हूँ. मैं बर्ड के जैसे आवाज़ तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं गाना ज़रूर गा सकता हूँ. तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे, आप यहाँ पे जो एक्टिविटी नहीं कर सकते हो वो लिखना है, और उसके सामने आप जो कर सकते हो वो एक्टिविटी लिखनी है बच्चों. अंडरस्टैंड? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें आप सबको क्या करना है. गिव योर सेल्फ अ बिग स्टार फॉर बीइंग व्हाट यू आर. यहाँ पे आपको सब क्या करना है? जो तुम हो उसके बारे में एक बड़ा सा स्टार का ड्राइंग आप सबको यहाँ पे बनाना है. तो देखो स्टार, आप सबको अपने लिए एक बड़ा सा स्टार बनाना है जो आप सब लोगों ने किया है उसके लिए. तो ये देखो यहाँ पे लिखा है फॉर माई सेल्फ. तो यहाँ पे आपको खुद से एक बड़ा सा स्टार बना देना है. किसके लिए? आपके खुद के लिए. तो ये स्टार भी आप सबको होमवर्क में ड्रॉ करना है बच्चों. अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं. देखो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आप सबको क्या दिया है? लेट्स प्रैक्टिस.
यहाँ पे आपको कुछ स्मॉल कर्सिव लेटर दिए हैं, एम एन ओ पी क्यू। तो नीचे आपको जो ये ट्रेसिंग वाली लाइन है वो आपको खुद होमवर्क में करनी है। आप सबको कर्सिव लेटर तो आता है ना बच्चों, तो ये लाइन आप सबको कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट कौन सा लेटर है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो ये पूरा पेज है पेज नंबर 28, वो आप सबको होमवर्क में कंप्लीट करना है क्योंकि आपको ये स्मॉल कर्सिव लेटर तो आते ही है। तो बच्चों आज हमने इंग्लिश की मैरी गोल्ड की टेक्स्ट बुक में जो भी एक्सरसाइज की वो आप सबको अच्छी तरह से कंप्लीट करनी है, और मैंने जो होमवर्क दिया है वो आपको कंपलसरी आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।